सिद्धपीठ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 9 दिनों तक मौन व्रत साधना में रहे। साधना पूर्ण होने के बाद वे 30 किलोमीटर दूर स्थित सुरजापुर के राजपुरा घाट पहुंचे, जहां व्रत स्नान के बाद पूजा अर्चना की। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार के साथ महाराज को स्नान कराया और यहीं पर श्री राम नाम कीर्तन भी हुआ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ज्ञानेश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए उनका अभिषेक किया। शारदीय नवरात्रि पर बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मौन व्रत का संकल्प लिया था। 9 दिनों तक मौन रहकर उन्होंने जगत जननी का स्मरण किया और माँ का नाम जपकर साधना की। जन कल्याण एवं भारत हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार शक्ति सर्जन में लगे रहे। उपवास पूर्ण होने पर सुबह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री व्रत स्नान करने सुरजापुर के राजपुर घाट पहुंचे। देश की सबसे शुद्ध नदी केन में उन्होंने स्नान किया और वही घाट किनारे स्थित भगवान ज्ञानेश्वर महादेव को प्रणाम कर यहीं पर राम नाम संकीर्तन भी किया गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ पहुंचे लोगों ने भाव के साथ नाम संकीर्तन किया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब धाम में रोज दिव्य दरबार लगाएंगे। हालांकि उन्होंने ये घोषणा की थी कि वे रविवार को दरबार लगाने के स्थान पर साफ सफाई और बैठकों पर ध्यान देंगे, ताकि बागेश्वर धाम की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जा सके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।